इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूँ कि एयर कंडीशनर दिन में सही चलता है और रात में ट्रिप हो जाता है, रात में सही नहीं चलता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी रात में सही चलता है और दिन में सही नहीं चलता है। रीज़न क्या होता है इसका? दोनों दोनों जो रीज़न है ना, उसके अलग अलग फॉल्ट होते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी एसी दिन में सही चलता है, रात में सही नहीं चलता है। कभी कभी रात में सही चलता है और दिन में सही नहीं चलता है। तो इसके अलग अलग रीज़न होते हैं। उस वीडियो को आप देखिए कि उसमें क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एसी दिन में सही चलता है, रात में सही नहीं चलता है। और इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एयर कंडीशनर रात में सही चल रहा है और दिन में सही नहीं चल रहा है तो क्या रीज़न होते हैं कि दिन में सही न चलने के। तो सिंपल सा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि आखिर क्या रीज़न होते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर रीज़न क्या होता है। इसमें रीज़न ये होता है कि दिन में सही नहीं चलता है, रात में सही चलता है, यानी कि रात में टेम्परेचर डाउन होता है और कंप्रेसर ठंडा रहता है, इसलिए रात में सही चलता है। तो सिंपल सा है, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर क्या है इसका फंडा। तो एक्चुअली होता क्या है कि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और धूप होता है, कंप्रेसर के ऊपर गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। रात में क्या होता है, रात में कंप्रेसर के ऊपर गर्मी नहीं पड़ती है और धूप नहीं पड़ता है एयर कंडीशनर के ऊपर, जिससे रात में कंप्रेसर ठंडा रहता है और टेम्परेचर डाउन रहता है जिसके वजह से कंप्रेसर सही तरह से चलता है। अब कंप्रेसर ओवर हीट होने के रीज़न क्या है? आखिर कंप्रेसर ओवर हीट क्यों हो रहा है, जबकि कंप्रेसर कितनी भी गर्मी पड़े कंप्रेसर ओवर हीट नहीं होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट जब रन करता है, रेफ्रिजरेंट रन करता है कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से फिर डिस्चार्ज करता है, फिर सक्शन के रास्ते से खींच लेता है, जिससे क्या होता है कंप्रेसर ठंडा रहता है उसी रेफ्रिजरेंट से, उसमें ऑयल होता है, रेफ्रिजरेंट रन करता है जिससे कंप्रेसर चलता रहता है, ठंडा ठंडा होता रहता है। लेकिन कंप्रेसर ओवर हीट क्यों होता है, इसके ऊपर कई वीडियो मैं बना चुका हूँ, अलग अलग तरह के रीज़न में बता चुका हूँ कंप्रेसर ओवर हीट होने के, जिसके वजह से दिन में कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है और रात में चलता है। तो उस वीडियो को सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ टारगेट वही करूँगा, वही वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग तरह से बताने की कोशिश करूँगा। होता क्या है कि इसमें रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। एक तो कैपेसिटर कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से अगर कैपेसिटर कमज़ोर है तो रात में भी ट्रिप करेगा, दिन में भी ट्रिप करेगा, ये रीज़न अलग है। लेकिन अगर उसमें कैपलरी चोक है, तो कैपलरी चोक है यानी कि रेफ्रिजरेंट सही से रन नहीं कर पा रहा है, तो कंप्रेसर ओवर हीट होता है, दिन में ज़्यादा हीट होता है जिसकी वजह से दिन में नहीं चल पाता है, रात में कम हीट होता है और रेफ्रिजरेंट थोड़ा थोड़ा रन करता है जिसकी वजह से ठंडा होता रहता है, और रात में कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता है तो पूरा रात चलता है, और दिन में गर्मी जब होती है तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाता है। अब इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है कि आप देख सकते हैं नीचे इमेज आप देख सकते हैं, यह मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम हुआ था, दिन में नहीं चलता था और रात में सही चलता था। इसमें क्या था कि ऑयल पूरा सिस्टम में जा कर के चोक हो गया था, तो इसमें चोक होने का जो जगह होता है एयर कंडीशनर में वो कैपलरी और ड्रायर फिल्टर में जा कर के चोक होता है, तो क्योंकि वहाँ पर पतला होता है, जाली लगी होती है और वहाँ पर कचरा और ऑयल जाता है तो वहाँ पर जा कर के जाम हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसे कैपलरी को चेंज कर दें, कैपलरी निकाल दें, ड्रायर फिल्टर निकाल दें और सिस्टम को अच्छी तरह से फ्लश करें। इंडोर में ऑयल है, जितना इंडोर को साफ़ करें, आउटडोर में जितना ऑयल है, कचरा है, डस्टी है, उसको अच्छी तरह से फ्लश करके साफ़ करें, नाइट्रोजन यूज करें, रेफ्रिजरेंट यूज करें,
या फिर वर्कशॉप कंप्रेसर यूज करें, जैसे भी आप निकाल सकते हैं पूरे ऑयल को, कचरे को आप बाहर निकालें, लेकिन कंप्रेसर जो उसमें लगा हुआ सिस्टम को उसको अलग कर लें, उसके साथ करेंगे तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, ध्यान में रखिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सिस्टम को चला सकते हैं। तब उसके बाद देखिए क्या, जब आप क्लीन कर देंगे पूरा सिस्टम, फ्लश कर देंगे, फ्लश करके वैक्यूम करके फिर से गैस चार्ज करेंगे न्यू कैपिलरी न्यू ड्रायर फिल्टर लगा करके, तो आप फिर उसके बाद दिन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि दिन में ट्रिप हो रहा है और रात में सही चल रहा है, ये प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। बस सिंपल सा यही प्रॉब्लम होता है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।